एक औरत कितना अंदर ले सकती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम कितना बड़ा ले लेगी ना एक औरत, क्या कितना इंटेंसिटी होना चाहिए, क्या साइज सही होना चाहिए कि वुमेन प्लेजर करे, व्हाट इज़ दी एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ फीमेल वजाइना। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं ये, क्यों है, किस लिए, ये भी मुझे डाउट रहता है, बट डेफिनेटली इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आपको भी लगता है कि आई वॉन्ट टू नो, इवन अगर आपको ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और मुझे पता है आप ये वीडियो पूरा देखने वाले हो, इसलिए ना कान और अपना दिमाग दोनों इसमें पूरा रखना, अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर आप नए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हाउ डीप अ वुमेन कैन टेक पेनिस और एनी थिंग दैट एक्साइट्स हर। यूजली फीमेल के वजाइना की जो लेंथ है या जो हम डेप्थ बोलते हैं, वो फीमेल वजाइना काफ़ी लंबी कैनाल है। लंबी कैनाल का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा 1 मीटर तक जा रही है, शुरू का सिर्फ 2.5 इंच एक ऐसा एरिया है जहाँ पर उसको हाईली सेंसेशंस फील होती हैं। मतलब अगर मैं ये फीमेल वजाइना के होल की बात करूँ, तो उसके ऊपर का एरिया आपके क्लिटोरिस को टच करता है, मतलब योनि को, जिसको हम देख पा रहे हैं, वल्वा जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप पेनिट्रेट कर रहे हो, तो सिर्फ ये ऐसा पर्टिकुलर एरिया, ये 2.5 इंच, मोरओवर मेरा हाथ ये 2.5 इंच के करीब कुछ पड़ जाएगा, तो यही पर्टिकुलर एरिया है जिस पे पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। मेल्स को लगता है कि जितनी मेरा लेंथ होगा ना, उतना प्लेजर मिलेगा, जबकि लेंथ में प्लेजर है ही नहीं। प्लेजर है इस 2.5 इंच में सही से पेनिट्रेशन करना। अगर आप इस 2.5 इंच को बार बार सहलाते हो, नए नए तरीके डालते हो, नए नए तरीकों से इसे मसलने की कोशिश करते हो, तो दैट गिव्स प्लेजर। इसलिए वुमेन को अगर आप पेनिट्रेट नहीं भी कर रहे हो और फिंगर से सहला रहे हो, या फिर आप कोई टॉय यूज़ कर रहे हो, टॉय कभी भी बहुत लंबे नहीं आते, इफ़ यू हैव सीन द टॉयज ओके। और मोर ओवर कई फीमेल्स को टंग सेंसेशंस बहुत पसंद होती हैं, तो वो भी शुरू का जो वो 2.5 इंच के आसपास अगर आप रोटेट कर रहे हैं, तो उसे ज़्यादा प्लेजर देता है। इसलिए अगर आप इस चीज़ के बारे में बात करते हो कि वो कितनी लंबी होती है या कितनी डेप्थ होती है, हो सकता है वो डेप्थ ज़्यादा हो आपके पेनिस के अनुसार, लेकिन वो डेप्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो डेप्थ बच्चा होने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और वो कैनाल कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी में वेस्ट आता है या जो डिस्चार्जेस होते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसकी डेप्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि वो शुरू का जो 2.5 इंच है, उसको कितना अच्छे से प्लेजरेबल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।